सब्सक्राइब करो NC7 न्यूज नू ते लेटेस्ट अपडेट पाउन ले प्रेस करो बेल आइकन। लोग भलाई दकीम जीडिया ये कह के बंद करती हैं कि जी करोना करके सरकार के बहुत खर्च हो रहे हैं। मैं सरकार ये पूछना चाहना कि थानू करोना महामारी दौरान कि घाटा पाया। दुकाना बंद सी, छोटिया दुकाना किसी 2500 किसी 3000 किसी 3200 तो बड़िया दुकाना 5000 8000 10000 के बिल आए। जो दुकान बंद है जिदा लग्या पे वह कहते 5 मिनट लिए असी एक बल्ब भी जगाया हुए तो असं जिम्मेवार हाँ, तो फिर बिल कादे आ गई। जो सड़क वरती हुई नहीं 2 महीने गड्डी खड़ी रही है घरें सड़क ते गई नहीं तो फिर रोड टैक्स केड़ी गल है जी। बैंक बंद सी पर लोगों के लोन दियाँ उन्होंने कारा दियाँ मोटरसाइकलों दियाँ जिन्हिया भी किश्तां सी वो बैंक बंद बैंक के कंप्यूटर राही ऑटोमैटिकली कटिया गई। स्कूल बंद सी तो हम फैसला आ गया कि बंद स्कूलों फीसा भी भरो जी। सरकार कि गलों घाटे च रही, बंद दुकाना के बिजली के बिल ले ले, बंद स्कूलों दीसा ले लिया, खड़िया गड्डिया के रोड टैक्स ले ले, बंद फैक्ट्रिया के फिक्स चार्ज ले ले, घर के बिजली के बिल भी आ गए जबकि इनकम कोई है नहीं सी लोगों की। पेट्रोल ते डीजल का रेट जदों बाहर निकले लोग 10-10 रुपये महंगा पाया गया, बसों के किराए बढ़ा दिए गए। सरकार ने जिहड़े पैकेज लाने सी वो कादे वास्ते ने ते कित्थे गए। खबरां दी शुरुआत अहम खबर दे नाल। संगरूर तों आम आदमी पार्टी दे MP भगवंत मान ने एक बार फिर पंजाब दी कांग्रेस सरकार नूं निशाने ते लिया है। पिछले कई महीनियां तों कोरोना दे कारण पंजाब च लॉकडाउन ते कर्फ्यू रहा है ते लोकां दे कामकाज बंद हो गए। इस दे विचाले ही आम आदमी पार्टी दे संगरूर तों MP भगवंत मान वल्लों सरकार ते निशाना साध्या गया। उन्हां कहा जिथे लॉकडाउन ते कर्फ्यू कारण लोकां दे काम बंद ने उथे सरकार दे वल्लों इस समें दे विच भी लोकां नूं लुट्टण दा काम बंद नहीं कीता गया। सत श्री अकाल सारे पंजाबियों, मैं तुहाडा अपना भगवंत मान। दोस्तों करोना महामारी दौरान सरकार ने बहुत सारिया लोग भलाई दी स्कीम जिहड़ियां ये कह के बंद करतियां कि जी करोना करके सरकार दे बहुत खर्च हो रहे ने, सरकार दे बजट बढ़ गए, इस करके जिहड़ियां होर स्कीम ने लोग भलाई दियां वह बंद करनियां पैणगियां। केंद्र सरकार ने MP लैड भी बंद करता, ठीक है ना, तो बड़े बड़े पैकेजों के ऐलान करते 20 लाख करोड़ का पैकेज कि असी लोगों नू जिहड़ा इस महामारी दौरान जिहड़ी है सहूलत देवांगे। पर आम लोगों क्योंकि असी आम लोगों विचरते रहने, आम लोगों के विचर के जो गल सामने आई है मैं अज तुहाडे सामने रखनी चाहना। मैं सरकार ये पूछना चाहना कि थानू करोना महामारी दौरान ਕਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮੀ ਰਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 तक, यानी कि 20 मार्च तो 20 मई तक के 2 महीनों के बिल। जदों दुकाना बंद सी, छोटिया दुकाना किसी 2500 किसी 3000 किसी 3200 तो बड़िया दुकाना 5000 8000 10000 के बिल आए। 23 मार्च में हुण जिहड़ी सोचने वाली गल ये है, 23 मार्च 2020 में पंजाब दे विच करफ्यू लाता सी कैप्टन सरकार ने कि कोई बंदा घरों बाहर नहीं निकलूगा, लॉकडाउन हो गई, दुकाना भी बंद हो गई। तो 23 मार्च में दुकाना बंद हुई, 23 अप्रैल तक दुकाना बंद, 23 मई तक भी दुकाना बंद, तो हुण जून दे विच थोड़ा बहुत दुकाना खोलण की इजाजत मिली है।
पर जदों दुकानदारां ने दुकानां खोलियां तां उत्थे बंद दुकानां दे बिल पए सी। जदों दुकान बंद है जिद्दां लग्गिया पिया ओह कहिंदे 5 मिंट लई असीं एक बल्ब भी जगाया होवे तां असीं जिम्मेवार हां, तां फिर बिल काहदे आ गए जी? बंद दुकानां दे बिना किसी रीडिंग तों मीटर रीडिंग तों बिल आ गए जी। जिहड़ियां गड्डियां टैक्सियां खास तौर ते ਉਹ ਵੀ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖੜ ਗਈਆਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੜਾ ਲਓ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ। ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ ਗਈਆਂ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਭਰੋ, ਫਿਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਊ। ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ, ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰੇ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਬੰਦ ਸੀ ਜੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਭਰੋ ਜੀ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਬਿੱਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਹੀ? ਬੰਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਲਏ, ਬੰਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਖੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲਏ, ਬੰਦ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਲੈ ਲਏ, ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਇਨਕਮ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕ 10-10 ਰੁਪਈਏ ਮਹਿੰਗਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇਜ ਲਾਨੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਗਰਾਹੁਣ ਕਨੀਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕੇ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, EMI ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ, ਖੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਨਲੋਕ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਬੇਵਾਫ ਕਰੋ, ਉਹ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ EMI ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੜਾਈਆਂ ਹੋਣ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ। ਸੋ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। लुधियाना कोरोना वायरस तेजी नाल पैर पसार रहा है। जानकारी के मुताबिक वीरवार नू इत्थे 55 नवे मामले सामने आए ने जबकि एक मौत हुई है। महानगर च कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 917 तक पहुंच चुका है अते हुण तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। दस दिए कि जिले च वीरवार नू सामने आए 55 मामलों के विचों 52 लुधियाना दे अते 3 होर जिलों नाल संबंधित ने। इस दे नाल वीरवार नू जिले के CMC हस्पताल च 60 साल औरत ने दम तोड़िया है। कानपुर च शुक्रवार नूं एक खतरनाक अपराधी नूं फड़न गई पुलिस टीम ते गैंगस्टरां ने गोलियां चला दित्तियां ने। इस विच एक DSP समेत 8 पुलिस मुलाजम शहीद हो गए ने। इस मामले विच 7 पुलिस मुलाजम जख्मी भी होए ने। जानकारी दे अनुसार पुलिस ने कानपुर दे चौपेपुर थाना इलाके दे पिंड बिकरू च रेड कीती सी ते पुलिस इत्थे चर्चित अपराधी विकास दुबे नूं फड़न लई गई सी। जदों पुलिस पार्टी कानपुर रूरल दे शिवली थाना खेतर दे बिकरू पिंड कोल पहुंची तां 8 तों 10 गैंगस्टरां ने पुलिस कर्मियां उत्ते छत्तां तों अन्नेवा फायरिंग शुरू कर दित्ती। इस दौरान शिवराजपुर श्रो महेश यादव, एक सब इंस्पेक्टर ते 5 कांस्टेबल इस मामले विच शहीद हो गए ने। इस मामले दे विच दर्जन तों ज्यादा पुलिस वाले जख्मी भी हुए ने। उन्हां दा हस्पताल विच इलाज चल रहा है। नेड़ले कंजौर ते कानपुर देहात दी पुलिस नूं बुलाया गया है। मुख्यमंत्री ने मारे गए पुलिस मुलाजमां दे परिवारां नाल दुख प्रगट कीता है। उन्हां ने DGP HC अफसदी नूं कहा कि ओह अपराधियां खिलाफ सख्त कार्रवाई करन। उन्हां ने घटना दी रिपोर्ट भी तलब कीती है। इस दौरान SSP ते IG मौके ते पहुंच गए हन अते फोरेंसिक टीम भी इलाके दी कोक कर रही है। हमलावरां दी गिरफ्तारी लई तलाश जारी है। दुनिया भर के सेहत विज्ञानी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं अते जिथे सारी दुनिया के लोगों की नजर इस वैक्सीन वाल टिकिया हुई ने उतनी भारत के लोगों की एक राहत भरी खबर आई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत बायोटेक नु एक पत्र लिख के इस वैक्सीन के मनुखी ट्रायल नु फास्ट ट्रैक मोड से चलाने लिए कहा है। वैक्सीन बनाने वाली भारत की मोहरी भारतीय कंपनी बायोटेक जिस वालों कोरोना से प्रभावी वैक्सीन कोवैक्सीन बना ले जान का दावा किया जा रहा है। उन्होंने पत्र लिखा गया है जिस COVID-19 टीके लिए मनुखी जांच फास्ट ट्रैक विधि नाल पूरा करने लिए कहा गया है। ICMR दे DG बलराम भार्गव ने देश कोरोना वैक्सीन दी परीक्षण नु प्रक्रिया नु जल्द पूरा करने लिए भारत बायोटेक दे मेडिकल कॉलेजों दे प्रमुख जांचकर्ताओं नु पत्र लिखा है। इस पत्र च लिखा गया है कि मनुख परीक्षण नु 15 अगस्त तो पहला पूरा किया जाए ताकि 15 अगस्त नु क्लीनिक ट्रायल दे नतीजे लॉन्च किए जा सकते हैं। उधर बीते दिनी केंद्र सरकार दे वल्लों 109 रेल मार्गां ते ट्रेन चलाउण लई निजी इकाइयां नूं मंजूरी दित्ते जाण दे फैसले दी आलोचना करदे होए दिल्ली च यूथ कांग्रेस दे वल्लों विरोध प्रदर्शन कीता गया। उन्हां दोष लगाया कि सरकार गरीबां दी इकमात्र जीवन रेखा रेल उस तों खो रही है। उन्हां ने दावा कीता कि सरकार दे इस कदम दा जनता करारा जवाब देगी। दस्सयोग है कि रेल मंत्रालय ने 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेनां चलाउण लई रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन मंगिया है। सरकार नूं उम्मीद है कि इस नाल भारतीय रेलवे च निवेश वधेगा, नाल ही नाल यात्रियों नूं बेहतर सहूलतां भी मिलनगियां। रेलवे ने कहा कि इस निजी खेतर तों करीब 3,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। देश के प्रधानमंत्री आप मीडिया के माध्यम से 2014 के अंदर रेलवे को यह कहने वाले कि हम रेलवे को नहीं बेचेंगे, जो भी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं वो देश विरोधी है, और आज 2020 में मात्र 6 साल बाद वही देश के प्रधानमंत्री निजीकरण कर रहे हैं रेलवे का। 109 रूटों को 151 ट्रेनों को और प्राइवेट कंपनियों को निजीकरण करने दे रहे हैं। ये किस बात का देश के साथ खिलवाड़ है? वही प्रधानमंत्री 2014 में कुछ और कहते हैं और 2020 में उस काम को करते हैं। ये सलासर इस देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी और इनको सत्ता से निकालने का काम करेगी। चीन तो शुरू हुई कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया लई एक मुसीबत का पहाड़ खड़ा किया हुआ है। कोरोना ने दुनिया भर में अपना कहर मचाया हुआ है। विश्व भर के देश कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। अमरीका च कोरोना का कहर लगातार जारी है और मरीजों की गिनती तेजी से बढ़ रही है। अमरीका में पिछले 24 घंटों में पहली बार 52,000 तो वध कोरोना के केस सामने आए ने। हालांकि अमरीका में मौतों की गिनती पहले तो घट गई है। इन दिनों दुनिया भर में सब तो वध मौतें ब्राजील में हो रही हैं। अमरीका में बुधवार को 52,000 नए केस आए सन।